सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। यूनाइटेड किसान मोर्चा गैर सियासी ते किसान मजदूर मोर्चा दे सरदे ते पंजाब दे शंभू रेलवे स्टेशन ते किसानां वल्लों 6 दिनां तों ट्रैक जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस कारण बीते दिन भी काहर ट्रेनां रद्द रहणगियां। रेलवे ने 34 ट्रेनां दे रूट बदल 3 ते 9 ट्रेनां ने जो थोड़े समय लई चलणगियां ते छोटियां होणगियां। दूजे पासे जींद च अज किसानां दी महापंचायत होई, जेल विच बंद ते किसानां दी रिहाई नूं लै के किसान वड्डा ऐलान कर सकदे ने। इस दे नाल ही पंजाब दे किसानां ने पंजाब भाजपा दे सूबा प्रधान सुनील जाखड़ दी चुनौती नूं स्वीकार कर लिया। तुहानूं दस दईए कि 13 फरवरी तों हरियाणा ते पंजाब खनौरी ते शंभू बार्डर ते किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में रुझी कांग्रेस पार्टी की कौमी जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निशाना साधा। मंगलसूत्र को लेकर सियासी बयानबाजी दरमियान प्रियंका ने कहा कि उन्होंने मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान होया। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तुम्हारा मंगलसूत्र से सोना खो लेगी। प्रियंका ने अगे कहा कि देश में कांग्रेस 55 सालों से सत्ता में है कि किसी ने तुम्हारे को सोना और मंगलसूत्र खोया। इंदिरा गांधी जी ने जंग दौरान अपना सोना देश को दिया। संपत्ति की वंड से प्रधानमंत्री मोदी के बयान तो बाद सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में विरासती टैक्स लागू होना चाहिए। भारत में लोकसभा चुनाव हो रही ने, जिहे च सियासी पार्टियों दोषों से जवाबी दोषों का दौर चल रहा है, जिथे कांग्रेस देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अमीरों की दिलचस्पी रखने वाली पार्टी होने का दोष लाती रही। इस ही भाजपा भी वंशवाद के मुद्दे से कांग्रेस के निशाने साधती रही। इस दौरान इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रधान सैम पित्रोदा ने जायदाद की वंड से पीएम मोदी के बयान तो बाद अजिही मांग की, जिस भारतीय राजनीति में हलचल मच गई। बसपा सुप्रीमो ते साबका मुख्यमंत्री मायावती मेरठ पहुंचे। इस दे नाल ही वर्करां ने मायावती का निघा स्वागत किया। इस दौरान साबका मंत्री हाजी याकूब कुरेशी ते हाफिज इमरान ने इकट्ठे स्टेज ते पैन मायावती नूं सोने का ताज भेंट करके सन्मानित किया। इस दौरान समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। इस दे नाल ही समुचा ग्राउंड समर्थकों के नारे नाल गूंज उठे। तां दस दईए कि हापुड़ रोड से अलीपुर च जनसभा दा प्रोग्राम आयोजित किया गया। इत्थे मायावती ने बसपा उम्मीदवार देवव्रत त्यागी के समर्थन च एक जनसभा नूं संबोधन किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले च सुरक्षा बलों ते अतवादियों विचाले मुकाबला होया। इस दो जवान जख्मी हो गए ने। दोवां नूं हस्पताल च भर्ती करवाया गया, जिथे उन्हां दी हालत स्थिर दसी जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के एक्स प्लेटफार्म से यह जानकारी दी है कि अलागाम बांदीपोरा के रेंजी वन खेत्र में सवेरे अतवादियों के सुरक्षा बलों विचकार मुकाबला होया। इन्हां इलाकों च तलाशी मुहिम चलाई जा रही। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर संजय सिंह ने हुण 5G स्पैक्ट्रम घोटाले के नाँ से केंद्र की भाजपा सरकार को कटहरे च खड़ा कर दिता। उन्हों का कहना है कि 2012 2G अलाटमेंट दौरान भाजपा ने खुद पहला आओ पहला पाओ नीति का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति के बदले स्पैक्ट्रम की दिलामी करने के हुक्म दिए सन, पर अब भाजपा की केंद्र सरकार अपनी सोच तो पिछे हट गई है। प्रधानमंत्री अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने अजिहा कर रहे हैं, पर आप देश की जनता को मूर्ख नहीं बनन देगी। भाजपा के मनसूबों कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार से पीएम ने अपने देश के 15 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों में वंड दिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमदा में 28 मार्च में डेरा कार सेवा मुखी तरसेब सिंह के कतल केस में मुलजम से 1 लाख के इनामी शूटर सरबजीत सिंह को भगौड़ा ऐलान दिया गया। खटीमा के सिविल जज अमित भट्ट की तरफों भगौड़ा ऐलान देने की कार्रवाई तो बाद उत्तराखंड की पुलिस ने तरन तारण जिले के पिंड मिया विंड पुज के मुलजमान के घर से पोस्टर लगा दिए ने। उत्तराखंड की पुलिस करीबन 3 घंटे तक पिंड में रही। पिंड के चौराहों से सरबजीत के भगौड़ा होने संबंधी पोस्टर लाए गए हैं। तरन तारण के DSP तरसेब मसीह ने दसिया कि भगौड़े के संबंध में पिंड में मुनादी करवा दी गई है। दस दिए कि सरबजीत गैंगस्टर की सूची चाहता है। इसने 2 साल पहला भाजपा आगू से हमला किया। पंजाब समेत देश भर में चोणों नूं लैके माहौल भखिया होया। इस नूं लैके सारियां पार्टियां वल्लों तैयारियां कीतियां जा रहियां ने। इसे तहत पंजाब विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों चोण यात्रा शुरू करन दा फैसला लिया गया। वख वख लोकसभा हल्कियां च यात्रा कढ़नगे ते आम आदमी पार्टी उम्मीदवारां दे हक विच प्रचार करनगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी ही यात्रा हल्के तों शुरू होण जा रही है। पहले दिन ही यात्रा गुरदासपुर ते अमृतसर विच होवेगी। पंजाब के सीनियर IAS ते 71 उचेरी सिख्या पंजाब के यादव पटियाला यूनीवर्सिटी का चार्ज संभालणगे। उह प्रोफेसर अरविंद की थां लैणगे, जिन्हां दा कार्यकाल भलके खत्म होगा। पंजाब राज भवन वालों जारी हुक्मां मुताबिक AK यादव 26 अप्रैल 2024 नूं VC वजों वाधू चार्ज संभाल लैणगे। सूबा सरकार ने प्रोफेसर अरविंद के कार्यकाल में कोई वाधा नहीं किया। यादव नूं मौजूदा ड्यूटी तो इलावा 26 अप्रैल तो 3 महीने लई चार्ज दिता गया। वधीक मुख सकत्तर KS सिवा प्रसाद वालों हस्ताखर किए नोटिफिकेशन में कहा गया कि पंजाब के गवर्नर ते पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के चांसलर 71 उच सिख्या नूं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला दे VC दा चार्ज देने तो खुश ने। लोकसभा चोणां दूजे पड़ाव तो 2 दिन पहला मणिपुर च 3 धमाके होए ने। मंगलवार ते बुधवार दी दरमियानी रात नूं होए इन्हां धमाकियां ने कांगपोक भी जिले विच एक पुल नूं नुकसान पहुंचाया। इस घटना च किसी जानी या जख्मी होने की कोई सूचना नहीं है, पर इम्फाल नूं नागालैंड स्थित दीमापुर नाल जुड़न वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ते आवाजाई नूं प्रभावित करेगा। घटना तो बाद सुरक्षा बलों नूं चौकस कर दिता गया है ते सुरक्षा प्रबंध सख्त कर दिते गए।
लुधियाना एक होटल कारोबारी आम आदमी पार्टी की सीनियर आगू जस्सी खंगूड़ा ने इस्तीफा दिया। जस्सी 2022 के विधानसभा चोणों में कांग्रेस छड़ के आप च शामिल हो गए सन। जस्सी लुधियाना लोग सभा सीट तो आम आदमी पार्टी की टिकट के मजबूत दावेदार मने जाते सन। पार्टी ने जस्सी से भरोसा जताने की बजाय मौजूदा विधायक अशोक पराशर पप्पू टिकट देती, जिस कारण जस्सी पार्टी तो नाराज से। खंगूड़ा 2007 तो 2012 तक विधायक रहे। जसवीर सिंह जस्सी खंगूड़ा का परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार है। जसवीर सिंह जस्सी खंगूड़ा ने किला रायपुर तो 2007 दी विधानसभा चोणा लड़ियां ते जित्तियां ते इस तो बाद मुल्लांपुर दाखा तो 2012 दी चोण हार गए ते इस वार भी इत्थे चोण लड़ना चाहुंदे सन। भारतीय जनता पार्टी के आगू विजय सांपला ने पंजाब इंचार्ज विजय रूपाणी मिले, जिथे सांपला ने अपनी कई मंगा ते सवाल रखे। विजय सांपला ने अफवाहों से विराम लाते कहा कि मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हाँ, पार्टी नहीं छड़ांगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे नाल टिकट का वादा किया, मेरे तो चेयरमैन अहुदे तो अस्तीफा लिया गया सी ते मैं तुरंत अस्तीफा भेज भी दिता। लोग मेरे से कई इल्जाम लगा रहे हैं जिन्हों का जवाब मैं पार्टी तो मंगया। मैं पार्टी के जवाब आने तक उड़ीक करांगा ते उस तो बाद ही पार्टी उम्मीदवार नाल चलांगा। यह गलबात होने बाद पंजाब इंचार्ज विजय रूपाणी दिल्ली में रवाना। इंधन लेके जा रही है डगल C-54 जहाज फेयरबैंक्स अलास्का विच उड़ान भरन तो थोड़ी देर बाद एक जमी हुई नदी विच क्रैश हो गया। यह जानकारी एक न्यूज़ चैनल वालों दी गई है। फैडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन मुताबिक जहाज च दो लोग सवार सन। इस तों इलावा FAA भी इस घटना की जांच कर रहे। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।